एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे हो। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी मैं देखिए ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, फिर उसके साथ है जलेबी जो कल शाम को ये लाए थे। तो आज हम लोग शाम को जाएंगे क्वार्टर्स में, क्वार्टर्स साफ करने जाएंगे, देखने जाएंगे कैसा है, क्या हाल है क्वार्टर्स का। अगर गंदा वंदा होगा तो क्लीन करेंगे, थोड़ा सा क्लीन करके इसी महीना लास्ट में हम लोग क्वार्टर्स में क्वार्टर सेटल हो जाएंगे। तो वही आज जल्दी मुझे खाना बनाना पड़ेगा। खाना वाना बना के फिर हम लोग 4:30 को इनको प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम में जाएगा तो हम लोग को भी बोला है कि साथ में, तो हम लोग भी साथ में ही चलेंगे उनको। आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी मैं कैसा है हम लोग का क्वार्टर्स वगैरह। तो आज सैटरडे है तो बाबू का स्कूल बंद है, तो इसीलिए बहुत सारा काम हो गया है, क्योंकि मैं आज लेट से उठी हूँ तो इसीलिए काम ज़्यादा हो गया। सुबह उठने से जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं, तो आज मैं 8:30 बजे को उठी एकदम फटाफट से झाड़ू लगाया, झाड़ू वाड़ू लगा के रात को ही मैंने मशीन में कपड़ा लगाया था, बाहर सूखने के लिए मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा लगा के पूजा उजा करके चाय वाय पिया, बाबू लोगों के साथ थोड़ा सा मस्ती किया। और यहाँ पर चल रही है पुराने गाने, तो मैं गाना सुन रही हूँ। तो ये है कहो ना प्यार ही का गाना है, पुराने गाना सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं लगा के काम करती रहती हूँ और काम भी मेरा फटाफट से हो जाते हैं। तो अभी मुझे खाना बनाना है, कल का जो लोबिया की सब्जी है आज भी थोड़ा सा है। ये चले गए हैं ड्यूटी पे सुबह 4:30 बजे, 4:30 बजे को मैं उठी एक बार, फिर उठ के ना मैं इनको नाश्ता बना के दिया, फिर इनका आज मॉर्निंग शिफ्ट है, कल होगा नाइट, तो मॉर्निंग शिफ्ट है, आज लास्ट है मॉर्निंग। नाश्ता वास्ता बना के ना फिर मैं सो गई, नहीं तो मैं जगी रहती अगर स्कूल खुला होता तो। स्कूल बंद है करके मैं सो गई हूँ, सो के एकदम से 8:30 बजे को उठी, इसलिए एक बार सोच रही कि नहीं सोऊं, लेकिन मैं सोचा कि स्कूल बंद है तो सो लेती हूँ थोड़ा सा, वैसे टाइम नहीं मिलता है। कल भी संडे है तो कल भी मैं लेट से उठूँगी, देखती हूँ क्या होता है। अभी मैं खाना बनाऊँगी, अभी जा रही हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए, खाना क्या बनाती हूँ मुझे पता नहीं, और देखती हूँ सब्जी है थोड़ा सा, दाल बनाएंगे। ये बनाने वाली थी मैं कल ही, ये क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं है, गूगल में चार्ज करके मैं यहाँ पे स्क्रीन में लगा दूँगी। हम लोग तो असमी में पोसोला बोलते हैं, तो इनको मैं काटूँगी, इनका आज सब्जी बनाऊँगी आलू वालू देख के, फिर बनाऊँगी दाल और चावल रोटी ये बनाऊँगी, फिर उसके बाद ये आएंगे 1:30-2 बजे, फिर हम लोग खाना खाएँगे, खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे आज क्वार्टर में। तो चलिए मैं अभी फटाफट से खाना बनाती हूँ, खाना वाना बना के फिर मुझे ना मिर्ची को भी अचार में डालना है, कल मैं नहीं डाली, मम्मी को पूछा भी नहीं, मैं भूल गई, तो अभी मुझे मिर्ची को भी डालना है। किचन में चलते हैं, किचन में चल के खाना बनाते हैं मेरे साथ, मैं क्या बनाती हूँ आप लोगों को भी दिखाती हूँ, अच्छा लगता है आजकल सब कुछ शेयर करना। तो मैं क्वार्टर्स दिखाऊंगी आप लोगों को, तो ऐसा नहीं कि नहीं दिखाऊंगी। तो आज जाती हूँ थोड़ा सा देख के आती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये है कल का सब्जी, देखिए अभी है भी है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा, थोड़ा सा ये खाएंगे, थोड़ा सा मैं खाऊँगी। तो गाइज़ यहाँ पे मैं केले के तने को काट रही हूँ, ये मैं सुपरमार्केट से लाई थी, और यहाँ पे मैं सुबह सुबह आटा गुना था जो प्लेट में, तो उसी में काट रही हूँ क्योंकि धोना ही है मुझे, तो इसलिए मैं इसी प्लेट में काट रही हूँ। फिर इनको अच्छे से धोएंगे, फिर बनाएंगे, फिर खाएंगे। तो यहीं पे देखिए मैं छोटा छोटा करके काट भी लिया है, एक आलू भी डाल दिया है मैं, तो चलिए अभी बनाते हैं। और अभी चलते हैं केले के तने को बनाने के लिए। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने सरसों के तेल डाल दिया है, मैं सब सरसों के तेल में बनाती हूँ। और मसाले के लिए ली हूँ मैं अदरक लहसुन प्याज, एक तेज़पत्ता, इलायची और जीरा, ज़्यादा मसाला नहीं डाली हूँ मैं। और यहीं पे मैं तेल गरम हुआ कि नहीं देख रही थी, तेल एकदम से अच्छे से गरम हो गया है, तो मैंने पहले डाले हैं तेज़पत्ता, जीरा, इलायची, और अभी डालूँगी ये मैं प्याज। और प्याज को अच्छे से थोड़ा सा भुनेंगे, भुनने के बाद यहाँ पे ऐड करूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, और दोनों को अच्छे से मैं मिक्स करके फ्राई करूँगी थोड़ा टाइम के लिए, तो ज़्यादा भी इतना पकाना नहीं है। तो देखिए अभी मैं केले के तने को डाल दी हूँ, ये ना केले के तने को कट कर रखने से काले पड़ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा काले पड़ गए हैं, तो यहाँ पे मैं धनिया, हल्दी और नमक डाल के केले के तने को अच्छे से पकाएंगे। इनको ढक्कन लगा लगा के मैं पकाऊँगी, क्योंकि बार बार ढक्कन लगाना है, इतना बार तो वीडियो में दिखाना
आसान नहीं है, तो इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा टाइम दिखाती हूँ आप लोगों को। ढक्कन लगा लगा के मैंने पकाया और देखिए इतना सॉफ्ट हो गया है मेरा जो ये केले के तने हैं ना, जो बहुत जल्दी पक गए हैं। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ केले के तने की सब्ज़ी, जो कि मेरा अच्छे से बन के रेडी हो गया है और देखने में इतना सुंदर अच्छा लग रहा है कि खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। फिर आप लोगों को भी बताती हूँ मैं कैसा है खाने के लिए, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना इसे बना। और साइड में ही मैं दाल को तड़का लगा दिया था, तो मैंने उबाल भी लिया था, तो मैंने एक आलू भी डाला है दाल में क्योंकि बाबू को अच्छा लगता है। और साथ ही में मैं यहाँ पे बना रही हूँ ऑमलेट। एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे ऑमलेट इतना अच्छे से बनाना नहीं आता है, तो मैं ज़्यादातर ऐसे बॉयल खाती हूँ, तो बाबू को अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं सोचा कि बना लेते हैं। तो यहाँ यहीं से मैं थोड़ी खाऊँगी। और यहाँ पर ली हूँ पाही के लिए खाना, और यहीं पर मैं ली हूँ दाल पाही के लिए, और अंडा को मैंने तीन हिस्सों में बांट लिया है, एक पाही के लिए, एक मेरे लिए और एक बाबू के लिए। तो यहीं पे कल की सब्जी थी जो कि मैं खाऊंगी, और यहाँ पे मैं भर के सब्जी ली हूँ, दो रोटी ली हूँ, अभी मैं खाना खाऊंगी। और ये बोल रहे थे कि ये घर पे नहीं खाएंगे खाना, तो वहाँ पे ट्रेन आ रहे, तो ये बोल फ़ोन करके मुझे बताया कि ये घर पे खाना नहीं खाएंगे, कि वहाँ पे कैंटीन है तो कैंटीन में खा के आएंगे। तो अभी हम लोगों के लिए खाना लाए हूँ, तो हम लोग खाना खा लेते हैं। बाबू मैगी खा रहा है, बाबू को मैं बाद में खिलाऊंगी, तो पहले पाही और मैं खा लेती हूँ। मामा क्यों पूछ रहे हो? तो पाही और मैं खा लेती हूँ, मैंने रोटी लाई हूँ, दोपहर को अभी रोटी खा रही हूँ। तो अभी 4 बज गया है, खाना पीना खा के मैं थोड़ा सा लेट गई थी पाही के साथ। पाही के पापा भी आ गए थे, पाही के पापा और बाबू टीवी देख रहे थे, और मैं और पाही थोड़ा सा सो गई थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं क्वार्टर्स में, थोड़ा बहुत साफ करके आते हैं, तो हमें जल्दी जाना पड़ेगा, ऐसे मंथ के लास्ट में हम लोग जाएंगे। तो चलिए अभी आप लोगों को भी मैं क्वार्टर्स में लेके चलती हूँ, उधर मैं क्लीनिंग करूँगी, साफ ऑफ करके फिर आ जाऊँगी। तो चलिए फिर नए क्वार्टर्स के साथ भी लेना पड़ेगा, फिर इसके बाद क्वार्टर्स में जाएंगे। तो हम लोग चारों निकल पड़े क्वार्टर्स के लिए, क्वार्टर्स देखने के लिए। और बेंगलोर की जो रास्ते गलियां होते हैं ना, इतना अच्छा होता है, पूरा ग्रीन ग्रीन, हरे भरे पत्तों से, अरे मज़ा आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग पहुंच गए हैं क्वार्टर्स में, जो बिल्डिंग्स दिख रहे हैं ना, यही हम लोग का क्वार्टर्स है। पहुंच गए हैं क्वार्टर्स में, अभी हम लोग जाएंगे ऊपर। तो इनका पापा गए हैं चाबी लेने के लिए, तो हम लोग अभी झाड़ू वाड़ू लेके आए हैं, स्कूटी में है, तो पहले साफ़ करेंगे। तो ये रहा क्वार्टर्स, चाबी ला रहे हैं। मिल गया चाबी, मिल गया घर का, दिखाओ दिखाओ चाबी, क्या है वो? पानी का। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं हमारे क्वार्टर्स में, तो यहीं पे हम लोग का सेकंड फ्लोर में मिला है। तो ये देखिए हम लोग का क्वार्टर्स, और ये गए थे एक मेरी फ्रेंड के घर में। तो हम लोग अभी चाबी खोलते हैं और क्वार्टर्स देखते हैं। क्वार्टर्स तो अंदर में अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्लीन भी है, लेकिन दीवार ना बच्चों ने पूरा ABCD लिख के ड्राइंग करके ख़राब कर दिया है। तो ये है किचन, किचन बड़ा ही है तो अच्छा है, साफ भी है, लेकिन मैं फिर से एक बार साफ़ करूँगी। और देखिए यहाँ पे दीवार में क्या क्या ड्राइंग वगैरह की है। और चलिए थोड़ा सा आप लोगों को बाहर दिखाते हैं, और बाहर देखिए पूरा हरे भरे पत्तों से भरे है, कितना अच्छा दिख रहा है। सुबह सुबह तो यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा मुझे लग रहा है। और यहीं पर मैं झाड़ू पोछा लगाऊँगी, अभी पहले झाड़ू कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी। खुश हो गई हो? कैसा लगा पौधा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, पसंद है? पत्तों का महल है ये पौधा। गाइस तो अभी मैंने क्लीन कर लिया है थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया है, तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। बस पोछा ओछा लगाया, किचन को साफ किया, उतना गंदा नहा नहीं क्योंकि साफ ही है पूरा घर, क्वार्टर पूरा साफ ही है, जो भी गए हैं तो अच्छे से क्लीन करके गए हैं। तो दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे क्लीन किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, पोछा लगाया बस। तो ये हो गया हम लोगों का बेडरूम, पता नहीं कौन क्या रूम बनाऊंगी मैं यहाँ पे, तो सोच कर रखी हूँ बेडरूम। तो यहाँ पे है बाथरूम, बाथरूम पूरा साफ करना पड़ेगा मुझे, लेकिन आज नहीं करूँगी। तो यहाँ पे है ब्रश व्रश करने के लिए,
तो और एक यहाँ पे रूम है, फिर यहाँ पे आ गया किचन। तो किचन को मैंने क्लीन कर दिया है, धोके किचन को क्लीन कर दिया है, फिर भी मुझे आने के बाद फिर से साफ़ करना पड़ेगा। और ये है सिंक, तो सिंक पता नहीं ये सब ना जा नहीं रहे हैं, तो मैंने कोशिश तो किया। और यहाँ पे है वॉशिंग मशीन लगाने के लिए, यहाँ से एंट्री, तो जब आएंगे आप लोगों को अच्छे से दिखाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ इस साइड पे टीवी लगाऊं, तो ऐसा है। तो दोनों तरफ से छोटा छोटा बालकनी है, लास्ट रूम के बगल में ही है बालकनी, यहाँ पर बालकनी दो बना के रखे हैं। तो और गाइस हम लोग आ गए थे क्वार्टर्स से, तो आते टाइम मैं पानीपुरी लेके आई थी, आधा मैंने खा लिया है, तो इनको देने के लिए मैं जा रही हूँ। तो चलिए मैं इनको पानीपुरी देती हूँ और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं, बाय बाय।